सदी के महानायक शहंशाह अमिताभ बच्चन फिर हुए बीमार। बिग बी ने बीमार हालात में ट्विटर पर फोटो शेयर कर सभी की हार्ट बीट तेज कर दी है। अमिताभ बच्चन को डॉक्टरों ने आराम की सलाह दी है। बेड पर लेटे हुए अमिताभ बच्चन अपना समय काटने के लिए प्रीमियर लीग देख रहे हैं। इस तस्वीर को पोस्ट कर उन्होंने कैप्शन में लिखा, T 3544, द फाउलर, द सॉक्स एंड द प्रीमियर लीग ऑल डे लॉन्ग इन रिकूप्ड स्टेट अटेम्प्ट। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं है कि अमिताभ बच्चन अस्पताल में बेड रेस्ट पर है या घर पर ही उनके लिए बेड बनाया गया है। तस्वीर में अस्पताल का बेड नजर आता है, लेकिन उनके हॉस्पिटल में भर्ती होने की कहीं कोई खबर नहीं है। बताते चले कि बच्चन साहब को 25वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में मौजूद होना था, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण उन्हें इवेंट में जाना कैंसिल करना पड़ा। अपनी सेहत को लेकर बिग बी ने अपने ब्लॉग में लिखा, लाइंग अराउंड स्किपिंग टाइम टू गो बाय इन रैपिड फॉर्म एंड रेमिनिसिंग द वर्क फ्रंट बाय द डे आफ्टर व्हेन देयर शैल बी द चेयर एंड द कंप्यूटर जी एंड द ऑडियंस बट फर्स्ट द लेफ्टओवर्स ऑफ इंसिडेंट्स फ्रॉम द टाइम्स ऑफ डॉन and the cracks and breaks now playing up and placing themselves in important avenues which restrict movement. At times of this, it may be of interest to the body but not the mind. So one listens to the body and many shall there be who will applaud and commit to say, did we not tell you this is to slow down? Slow down? That's what you tell the vehicle or the train on road and track. 25वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नहीं जाने का अफसोस भी जताया बिग बी ने। Sad and in regret not to able to travel for KIFF to Kolkata, an event that has invited me for years, I think now 7 years. And the speech, glorifying cinema and the research by educated assets from dear friends, gone. But there is communication established, whether I could read it on video and send to them to be played at the closing. The occasion to attend such events, to be in the presence of an audience, to deliver all such a frightening proposition, nerves on end. What to say, whether it shall be accepted, what if not, why must I accept such, just leave me alone, please, I'm not capable of presence at all. But no, they keep coming and refusal seems odd and at times misunderstood as being either difficult or arrogant. But yes, it comes with the territory and needs attention and will and acceptance. So one bears, inadequate ever, but yet to show presence. आपको बता दें कि अक्टूबर महीने में वो मुंबई के नानावती हॉस्पिटल में रूटीन चेकअप के लिए गए थे। 18 अक्टूबर को उन्हें डिस्चार्ज मिला था, लेकिन अब उनकी सेहत फिर एक बार बिगड़ी है, जिससे उनके फैंस में चिंता छाई हुई है। हम बस यही दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए।